नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की तरफ। तमिलनाडु में राज्यपाल के पास फिर भेजा जाएगा नीट विरोधी विधेयक, राजनीतिक दलों ने जताई सहमति। सरकारी मदरसों में नहीं दे सकते मजहबी शिक्षा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार के फैसले को ठहराया सही। गोवा में सड़क दुर्घटना से गुजरा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला, बीच रास्ते में रुककर पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने में की मदद। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी बोले बेहद पीड़ा में हूं, देश में खालीपन छोड़ गई लता दीदी। सीमा पर घुसपैठ की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराए 3 पाकिस्तानी घुसपैठिए। सपा ने नामांकन के बाद काटा मसूद आलम का टिकट, आनंद यादव के प्रत्याशी बनते ही भड़के मुस्लिम। जेपी नड्डा ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा गुंडा होना सपा में शामिल होने की पहली शर्त। अब्दुल्ला आजम का मुरादाबाद के कमिश्नर को खुला चैलेंज, बोले नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ ले। यूपी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर छापा, दस्तावेज खंगाल रही आयकर विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस के तहत 7 से खोले जाएंगे स्कूल, कक्षा 9 से 12 की होगी पढ़ाई। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए 20 आतंकवादी, 9 सैनिकों की भी मौत। इमरान खान से बोले चीन के प्रधानमंत्री, हमारी नीतियों में पाकिस्तान को प्राथमिकता। तुर्की में बढ़ रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में आए 98,715 नए केस। टेक्सास में बंदूकधारी ने 4 लोगों की हत्या करने के बाद की आत्महत्या। खौफ के साए में अफगानिस्तान, मीडिया इंडस्ट्री देश में अब तक 318 प्रतिष्ठान हुए बंद। दिनेश बाना ने छक्का लगाकर भारत को बनाया आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन, दिलाई एमएस धोनी की याद। भारत ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को पटकनी देकर 5वीं बार जीता अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब। हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला शिविर के लिए 33 सदस्य संभावितों का किया ऐलान। राजबावा के पिता ने युवराज को दी कोचिंग, दादा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी टीम का रहे सदस्य। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी मालामाल, खिलाड़ियों को इनाम देगा बीसीसीआई। बानवे साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, कोरोना होने के बाद हुई थी अस्पताल में भर्ती। अंदाज अपना अपना किस सेट पर आमिर खान ने रवीना टंडन से किया था फ्रैंक, एक्ट्रेस ने लिया बदला। गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिलने से उत्साहित है आलिया भट्ट, पोस्ट शेयर कर फैंस को किया धन्यवाद। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की फिल्मों में डेब्यू करने की हलचल, फिल्म मेकर्स के ऑफिस के बाहर स्पॉट हुई
सुनील ग्रोवर के इलाज को लेकर सलमान खान हुए फिक्रमंद, कॉमेडियन को दी अपने पर्सनल डॉक्टर की टीम। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।